जहां पर रिहाई को लेकर कोर्ट ने शर्तें लागू कर दी हैं। संजय सिंह के लिए जो शर्तें लागू की गई हैं उसमें पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है, इसके अलावा लोकेशन की भी जानकारी देनी होगी। तीसरी शर्त यह है कि दिल्ली NCR छोड़कर नहीं जा सकते हैं संजय सिंह, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके अलावा केस को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। ये तमाम शर्तें और इन्हीं शर्तों के साथ अब आगे बढ़ना होगा कोर्ट की तरफ से। जमानत को लेकर ये तमाम शर्तें सामने आई हैं जिसका पालन अब संजय सिंह को करना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तमाम शर्तें जिसको लेकर अब संजय सिंह आगे बढ़ेंगे, इनका पालन करना होगा, कौन कौन सी वो शर्तें? और एक चीज यहाँ पर जरूर क्लियर करिएगा कि क्या राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर भी कोई एडवाइजरी है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले जो आप पूछ रहे हैं सवाल, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही चर्चा हुई थी, वो राजनीतिक कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली और NCR छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो IO को उनको अपनी लोकेशन देनी होगी, उसके अलावा कोर्ट को उसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि केस को लेकर स्पष्ट किया है कि केस जो है उसमें किसी तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इस बात का ध्यान संजय सिंह को रखना होगा। अपनी भूमिका को लेकर केस से संबंधित कोई टिप्पणी संजय सिंह नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान जो है वो संजय सिंह को रखना होगा। बाकी जो है 1-1 लाख के 2 निजी मुचलके जो हैं वो उनकी पत्नी ने भर के बॉन्ड के रूप में दे दिए हैं। अब कुछ ही देर में जब आदेश पहुंचेगा तिहाड़ जेल और जब रिहाई का, सामान्य कैदियों की रिहाई होती है जिस तरीके से, उसी तरीके से इनकी रिहाई का जब समय आएगा तो फिर ये माना जा रहा है कि शाम तक संजय सिंह जो हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। देखिए मोहित, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से और ये तमाम शर्तें जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। जाहिर तौर पर संजय सिंह को जो राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि चुनावी कैंपेन अब हो सकता है आम आदमी पार्टी का। क्या इस बात की भी तस्दीक करती है संजय सिंह की रिहाई? देखिए, ये तो यकीनन आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक तमाम बड़े नेता, कोई भी एक बड़ा चेहरा जो कि फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का चेहरा हो और जो जो पूरे के पूरे चुनाव को लीड कर सके, ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था भगवंत मान के अलावा। तो इसलिए संजय सिंह की रिहाई संगठन के लिहाज से और आपकी पार्टी के लिहाज से बहुत ज्यादा राहत देने वाली है, और अब जब वो रैलियों में जाएंगे तो अपनी बात रख सकेंगे। जरूर ये है कि वो केस से संबंधित कोई बात नहीं रख सकते, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी वो कर सकते हैं, ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम केजरीवाल पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तेजी से घट रहा है सीएम केजरीवाल का वजन। मंत्री आतिशी की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद से 4.5 किलो वजन कम हो गया है। केजरीवाल को कुछ हुआ तो पूरा देश माफ नहीं करेगा। केजरीवाल की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी दौरान मंत्री आतिशी की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है कि लगातार केजरीवाल का वजन घट रहा है। आपको सुनना चाहिए कि मंत्री आतिशी की तरफ से क्या कहा गया है। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है,
उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जहां पर रिहाई को लेकर कोर्ट ने शर्तें लागू कर दी हैं। संजय सिंह के लिए जो शर्तें लागू की गई हैं, उसमें पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है, इसके अलावा लोकेशन की भी जानकारी देनी होगी। तीसरी शर्त यह है कि दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकते हैं संजय सिंह, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा केस को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। तमाम शर्तें और इन्हीं शर्तों के साथ अब आगे बढ़ना होगा। कोर्ट की तरफ से जमानत को लेकर ये तमाम शर्तें सामने आई है, जिसका पालन अब संजय सिंह को करना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तमाम शर्तें जिसको लेकर अब संजय सिंह आगे बढ़ेंगे, इनका पालन करना होगा, कौन कौन सी वो शर्तें हैं? और एक चीज यहाँ पर जरूर क्लियर करिएगा कि क्या राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर भी कोई एडवाइजरी है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले जो आप पूछ रहे हैं सवाल, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी यही चर्चा हुई थी, वो राजनीतिक कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली और एनसीआर छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो आईओ को उनको अपनी लोकेशन देनी होगी, उसके अलावा कोर्ट को उसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि केस को लेकर स्पष्ट किया है कि केस जो है उसमें किसी तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इस बात का ध्यान संजय सिंह को रखना होगा। अपनी भूमिका को लेकर केस से संबंधित कोई टिप्पणी संजय सिंह नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान जो है वो संजय सिंह को रखना होगा। बाकी जो है एक एक लाख के दो निजी मुचलके जो हैं वो उनकी पत्नी ने भर के बॉन्ड के रूप में दे दिए हैं। अब कुछ ही देर में जब आदेश पहुंचेगा तिहाड़ जेल और जब रिहाई का, सामान्य कैदियों की रिहाई होती है जिस तरीके से, उसी तरीके से इनकी रिहाई का जब समय आएगा तो फिर ये माना जा रहा है कि शाम तक संजय सिंह जो हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। देखिए मोहित, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से, और ये तमाम शर्तें जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। जाहिर तौर पर संजय सिंह को जो राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि चुनावी कैंपेन अब हो सकता है आम आदमी पार्टी का। क्या इस बात की भी तस्दीक करती है संजय सिंह की रिहाई? देखिए ये तो यकीनन आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक तमाम बड़े नेता, कोई भी एक बड़ा चेहरा जो कि फर्स्ट लेयर का सेकंड लेयर का चेहरा हो और जो जो पूरे के पूरे चुनाव को लीड कर सके, ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा था भगवंत मान के अलावा। तो इसलिए संजय सिंह की रिहाई संगठन के लिहाज से और आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत ज्यादा राहत देने वाली है, और अब जब वो रैलियों में जाएंगे तो अपनी बात रख सकेंगे। जरूर ये है कि वो केस से संबंधित कोई बात नहीं रख सके, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी वो कर सकते हैं, ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सीएम केजरीवाल पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तेजी से घट रहा है सीएम केजरीवाल का वजन। मंत्री आतिशी की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद से 4.5 किलो वजन कम हो गया है। केजरीवाल को कुछ हुआ तो पूरा देश माफ नहीं करेगा। केजरीवाल की जमानत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इसी दौरान मंत्री आतिशी की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है कि लगातार केजरीवाल का वजन घट रहा है। आपको सुनना चाहिए कि मंत्री आतिशी की तरफ से क्या कहा गया है। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को
भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है।